अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम आए हैं फिर से छत पे अपने कबूतरों के पास। आपको पता है छत पे हमारे कबूतर हैं, तो आपको प्रोग्रेस दिखाते हैं। जिस भाई ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। हम अपने जो ब्रीडिंग सेटअप्स हैं, कबूतर हो गए एंड लवर्स हो गए, और इंशाल्लाह मुर्गियाँ वगैरह भी लाएंगे। तो हैं भी, लेकिन वो अभी अंडे वगैरह बच्चे उसकी ब्रीड नहीं ले रहे। इंशाल्लाह दो तीन असील मुर्गे लाने हैं तो उसकी ब्रीड लाजमी हम लेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाने आया था कबूतरों की प्रोग्रेस। जो मैंने आपको बताया था ना कि कबूतरों में दाने निकल आए, तो दानों की वजह से मौत ज़्यादा हो रही है। तो अभी मेरे पास एक बच्चा था, वो भी मर गया है, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और एक पेयर जो मैं लगाना चाह रहा था, वो पेयर आपस में नहीं लगा। मैं एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है, तो वो मैं दोनों आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये बच्चा मर गया है, ये देखें। अब ये बच्चा कैसे मरा है, ये मैंने आपको बताया था कि इसके ना दाने निकल आते हैं। मच्छरों ने बड़ा तंग किया हुआ है मुझे, तो मच्छरों की वजह से कबूतरों की मौत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मच्छर का क्या तकलीफ होगी ये तो मुझे नहीं पता यार। मैंने आपसे पहले भी पूछ चुका हूँ कि मच्छर का क्या इलाज है मच्छरों का, तो मच्छरों की वजह से ये मर जाते हैं क्योंकि दाने निकल आते हैं, मच्छर काटते हैं। तो अभी मैं अंदर दिखाता हूँ आपको, ये देखें। अब जो ये पैर मैंने आपको बताया था ना, ये वाली मादी जो पकड़ी थी, मैंने सोचा ये मादी इससे ही लगा देंगे, मगर ये ना और इससे लग गया है। तो देखते हैं, ये भी अच्छी है क्योंकि जिससे भी लगे, तो ये पैर तो बन गया है माशाल्लाह। बाकी जो ये बच्चा था इसके, देख लो ये बिल्कुल सट हो गया है क्योंकि इसके भी दाने निकल आते, दाने बहुत ज़्यादा थे। इसके अभी भी नीचे दाने हैं बिल्कुल, ये मुझे निकालना पड़ेगा ये सारा पकड़ के। तो देखते हैं इसको भी निकालेंगे। तो फिलहाल जो वो बच्चा था ना, उसका भाई मर गया है। तो ये दो बच्चे, अरे यार पूछा, दरवाज़ा बंद कर, अभी मैं अंदर आपको दिखाता हूँ। ये बच्चा, यहाँ पे दो बच्चे थे ना, यहाँ पे सिर्फ एक बच्चा बचा है। ये देखो, अब ये गोल्डन कबूतर का बच्चा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसके पेरेंट्स भी, इसकी माँ तो ये खड़ी हुई है ये सामने, ठीक है, और इसका बाप का है ये रहा, एक दिखाता हूँ अंदर बैठा, ये रहा। इस कबूतर की मैं कहानी भी बताऊँगा अभी, वो तो अभी तो नहीं बताऊँगा, फिर कभी बताएँगे इंशाल्लाह। तो ये पेयर बन रहा है इस कबूतर का, तो ये दिखाने जा रहा था। इस कबूतर ने एक नंडा दे दिया है फिलहाल, तो अल्लाह खैर करेगा, देखते हैं। ये थोड़े नुकसान हो जाते हैं क्योंकि इसमें भी जो बच्चा है, इसमें भी यही मसला है। ये भी कुछ दिनों का शायद मेहमान हो, चलो ये देखते हैं। ये तो मसले होते रहते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करें यार। अयान एक काम कर, इसका ना ये पीछे से ये दाना बहुत बड़ा हो गया है इसके पिछवाड़े में, तो ये बीट नहीं कर पा रहा। तो कोई कपड़ा होगा, कोई ख़राब वाला कोई कपड़ा लिया तो इसको साफ़ करें। अभी मैं दिखाता हूँ, इसको भी साफ़ कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, शेयर करते हैं। भले वो कपड़ा ले आए इस बच्चे को ना, शेयर करते हैं। तो ये कपड़ा और ये ज़ख़म सुखाने वाला, ये भी ले आया है। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले पकड़ता हूँ इसको, तो बाहर फेंकवा देंगे, देखते हैं पहले उसको इलाज कर लें, ट्रीटमेंट का। ये अयान पकड़, तो इसको मैं पकड़ूँ, एक मिनट। कपड़ा सब खराब पीछ दी, ये मोबाइल पकड़, मोबाइल पकड़। ये दे कपड़ा दे, इसको इस पे फोकस करो। ये देखें, इसको क्या करेंगे, इसको ये साफ करके इसको ये पाउडर लगा देते हैं, तो ये फायदा हो जाएगा, ठीक है। ए रुक,
इसको ये देख रहे हैं पाउडर वाउडर लगा के ये थोड़ा ना सूख जाए, ठीक है। तो ये था अभी, ये मैंने कर दिया इसको, अभी ट्रीटमेंट थोड़ा किया है, थोड़ा बहुत देखते हैं क्या होता है कि पाँव पूरे खराब हो जाते हैं यहाँ, देख रहे हो कपड़े भी ख़राब कर दिए मेरे सारे, ये देखें चलो सूखने तो इसको फिर देखते हैं। तो आज की यही थोड़ी बहुत वीडियो थी, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। तो जिस भाई ने मेरे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो वीडियो देखना शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।